नरक चतुर्दशी के दिन भूल ना जाएं हनुमान जी की पूजा। जानिए पूजन के आसान उपाय। नरक चतुर्दशी दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली के दिन मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यमराज की पूजा करने का विधान है। यमराज को काल भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है। इस दिन यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु नहीं आती है और यमराज पूजा से प्रसन्न होने पर लंबी आयु का वरदान देते हैं। अगर इस दिन आप यमराज के साथ ही हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको लंबी आयु का वरदान तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हनुमान जी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। धार्मिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है उसका काल यानी यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आइए अगली स्लाइड्स में जानते हैं कैसे करें इस नरक चतुर्दशी पर हनुमान जी को प्रसन्न। हनुमान चालीसा का पाठ। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा घर में दीपक जलाएं और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप इच्छा अनुसार एक से अधिक पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ करने में कोई विशेष नियम नहीं है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कभी भी और कहीं पर भी कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाएं। नरक चतुर्दशी के दिन अपने घर के पास में किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी को इच्छानुसार भोग लगाएं। इस वर्ष नरक चतुर्दशी शनिवार के दिन है और मंगलवार और शनिवार हनुमान जी बहुत प्रिय हैं। आप इस नरक चतुर्दशी पर हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगली स्लाइड में जानते हैं क्या होता है चोला। क्या होता है चोला? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर और चमेली के तेल को हनुमान जी के समक्ष चढ़ाने को ही चोला चढ़ाना कहा जाता है। अगली स्लाइड में जानिए हनुमान जी का शक्तिशाली मंत्र। मंत्र ओंहन हनुमंते नमः। इस मंत्र का नित्य सुबह शाम 108 बार जाप करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है।